तन मन धन से बढ़कर जंगन मन। तो दोस्तों फाइनली सत्यमेव जयते 2 का ट्रेलर आज यानी 25 अक्टूबर को टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दिया गया है और ये ट्रेलर रिलीज हुआ तो सोशल मीडिया पर धमाला चल रहा और पब्लिक को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। दोस्तों इस फिल्म में अमेजॉन प्राइम के साथ दिव्या खोसला कुमार देखने को मिली है जो कि टी सीरीज के ओनर यानी कि भूषण कुमार की पत्नी है। दोस्तों इस फिल्म में हमें जॉनी ब्रैंड के 3 रोल देखने को मिले हैं जिसमें कि वो एक बाप और 2 बेटों को रोल निभा रहे हैं और ये फिल्म पूरी तरह से देश के करप्शन पर आधारित है। दोस्तों इस फिल्म को प्रोड्यूस किया भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, मोनिश आडवाणी, मधु भोजवानी एंड निखिल आडवाणी ने। वह इस फिल्म के डायरेक्टर और राइटर है मिलप मिलान जेवरी। और अगर इस फिल्म के रिलीज डेट की बात की जाए तो यह फिल्म इसी साल 25 नवंबर को देखने को मिलने वाली है। फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले अक्षय कुमार के रिएक्शन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, अक्षय कुमार का रिएक्शन आया है सत्यमेव जयते 2 के ट्रेलर पर। तो आखिर उन्होंने इस फिल्म के लिए क्या कहा है, जॉन अब्राहम के लिए क्या कहा, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले, इसलिए वीडियो अंत तक बने रहना एंड साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, इससे आपको हमारे तक लेटेस्ट अपडेट्स आसान से मिलते रहेंगे। दोस्तों अक्षय कुमार ने इस ट्रेलर पर रिएक्शन देते हुए कहा कि जॉन की मूवी लगभग 200 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करेगी क्योंकि इस फिल्म का जो टॉपिक है वो बेहद ही लाजवाब है और पहली बार हमें जॉन अब्राहम 3 रोल करते नजर आएंगे। इस मूवी में जॉन के लुक्स, डायलॉग्स और एक्शंस काफ़ी ज़्यादा लाजवाब हैं और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जॉन की मूवी लगभग 200 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस करेगी। इसके बाद दोस्तों जब अक्षय कुमार से पूछा गया कि सर आपकी और जॉन की हमने कई सारी मूवीज़ देखी हैं लेकिन क्या आने वाले टाइम पे आप दोनों के साथ मूवीज़ आएंगी, तो उन्होंने कहा डेफिनेटली करूँगा लेकिन इस बार मैं जॉन के साथ कोई कॉमेडी फिल्म नहीं करूँगा बल्कि ऐसी कोई मूवीज़ करूँगा जैसे कि सत्यमेव जयते 2 है। दोस्तों इतना कहकर अक्षय कुमार ने अपनी बात खत्म कर दी। तो आपको अक्षय कुमार का रिएक्शन इस ट्रेलर पर कैसा लगा, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पर लिख भेज दीजिए।